नमस्कार दोस्तों, आज शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म की 21वें दिन की कथा, अध्याय 21 में कांचीपुर के राजा चोल और विष्णुदास की कथा। नारद जी बोले, हे राजन, इस प्रकार गणों के वचन सुनकर विस्मित होकर दंडवत करके धर्मदत्त बोला, मनुष्य यज्ञ दान तप और तीर्थ आदि से दुखनाशक विष्णु की आराधना करते हैं। उनमें से विष्णु को प्रसन्न करने और समीपता देने वाला ऐसा कौन सा पूजन है जिसे करने से सब यज्ञ आदि सफल हो जाएं? गण बोले, हे विप्र, तुमने अच्छा प्रश्न किया। हम इतिहास समेत एक प्राचीन वृतांत कहते हैं, एकाग्र होकर सुनो। कांचीपुर में एक चोल नाम का चक्रवर्ती राजा था। उसके ही नाम से चोल देश प्रसिद्ध हुआ। उस राजा के राज्य में कोई आदमी दरिद्री दुखी पाप बुद्धि और रोगी नहीं था। अनेकों यज्ञ करने वाले यशस्वी उस चोल के स्वर्ग यज्ञ स्तंभ से ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारे चैत्र रथ अर्थात कुबेर के वन की तरह शोभित हुए। एक समय वह राजा अनंत शयन नाम के स्थान को गया, जहाँ की योग माया के साथ विश्वपति भगवान विष्णु शेष सैया पर शयन करते हैं। वहाँ उसने लक्ष्मीपति विष्णु भगवान का मोती आदि रत्न मणि और सुंदर स्वर्णों के फूलों से पूजन किया। तत्पश्चात पृथ्वी में दंडवत प्रणाम करके वहीं बैठ गया। तत्पश्चात हाथ में तुलसी और जल लिए हुए कांचीपुरी में रहने वाले एक विष्णुदास नाम के ब्राह्मण को वहां आकर ब्रह्म सूक्त सहस्त्र शीर्षा आदि मंत्रों से भगवान को स्नान कराते हुए तुलसी मंजरी तुलसी पत्र से विधि पूर्वक पूजन करते हुए देखा। भगवान के ऊपर ब्राह्मण के तुलसी दल चढ़ाने से राजा की पूजा के वे रत्न ढक गए। यह देखकर राजा कुपित होकर बोला, हे ब्राह्मण, मैंने माणिक और स्वर्ण से पूजा की है और यह तुमने तुलसी पत्रों से ढक दी। मैं जानता हूँ तू विष्णु की भक्ति नहीं जानता, जो तूने मेरी अत्यंत शोभायुक्त पूजा को ढक दिया है। तब वह ब्राह्मण राजा के गौरव को तुच्छ समझकर बोला, हे राजन, तू भक्ति नहीं जानता है, तुझे राज्य और लक्ष्मी का घमंड है। बताओ तुमने पहले कितना विष्णु का व्रत किया है? गण बोले, ब्राह्मण का वचन सुनकर हंसकर राजा गर्व सहित कहने लगा कि तू जो भक्ति का गर्व करता है तो बता तुझ दारिद्र की भक्ति कितनी है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले यज्ञ और दान आदि तूने नहीं किए हैं और न ही पहले तूने कोई मंदिर ही बनवाया है। यदि तुझे भक्ति का ऐसा घमंड है तो अब सब उपस्थित ब्राह्मण आप लोग देखते रहो कि भगवान विष्णु साक्षात दर्शन मुझको देंगे या इसको, तभी यह प्रमाणित हो जाएगा कि हम दोनों में से किसकी भक्ति श्रेष्ठ है। यह कहकर राजा तो अपने राजमहल को चला गया और मुदगल ऋषि को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ कर दिया। उस यज्ञ में बहुत से ऋषियों को बुलाया गया और बहुत सा अन्न धन और दक्षिणाएं दी गईं। ऐसा यज्ञ सबसे पहले गया नामक क्षेत्र में किया था। उस समय विष्णुदास भी वहीं देव मंदिर में रहा और विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अनेक नियम करने लगा। माघ और कार्तिक का व्रत किया, तुलसी का वन लगाया और उसे सींचा तथा द्वादाक्षर मंत्र का यथाविधि जप करने लगा। षोडशोपचार विधि और नृत्य गीत आदि मंगलों से नित्य विष्णु की यथाविधि पूजन करने लगा। वह चलते फिरते भोजन और शयन करते हर समय सदा विष्णु को स्मरण करता रहा और समदृष्टि होकर सब में विष्णु को ही देखता रहा। उसने विष्णु की प्रसन्नता के लिए माघ और कार्तिक के विशेष नियम पालन किए और उद्यापन भी किए। इस प्रकार सब इंद्रियों को वश में करके भगवान की आराधना करते हुए राजा चोल और विष्णुदास ब्राह्मण को बहुत समय व्यतीत हो गया। इति श्री कार्तिक मास महात्म
21वां अध्याय संपूर्ण।